चलिए बना लेते हैं कुछ यमी सा टेस्टी सा स्नैक्स। तो वेलकम है मेरे चैनल पर, वेलकम टू जायके का खजाना। तो ये देखिए, आज हम यहाँ पर बना रहे हैं चिकन पॉकेट्स, जो खाने में बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। यहाँ कुछ एग्स ले रही हूँ मैं, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल डिश है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को बड़ों को बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। तो एक बार इस तरह से बना लीजिए। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हैंड बीटर से, और उसके बाद में अब हम यहाँ पर कुछ वेजीज को कट करेंगे, जिसमें मैंने येलो और रेड बेल पेपर ले लिया है, और शिमला मिर्च है, और लट्टी उसे है। तो इसे अच्छे से जैसे भी शेप में आप चाहें वैसे कट कर सकते हैं, क्यूब में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से लेंथी कट कर रही हूँ, क्रंची बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो इसको सौते करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से एक बार बनाइए, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे जो भी वेजेस थे उसको कट कर लिया है, बेल पेपर को भी और शिमला को भी। अब इसमें मैं और डाल रही हूँ मायोनीस, हम डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईच एंड एवरी स्टेप में मिक्स करने से ना इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल रही हूँ मैं, इसका एक टैंगी फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, इसमें बहुत ही मज़ा आ जाता है इसके साथ खाने में। तो यहाँ मैंने कुछ हर्ब्स डाल दिए हैं, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो डाल दिए हैं, और थोड़ा सा रोजमेरी एक्स्ट्रैक्ट भी डाला है फ्रेश वाला। अब यहाँ पर नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें बॉयल चिकन श्रेड करेंगे, बहुत ही पतले पतले श्रेड डालेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, हर एक बाइट में बड़े अच्छे से आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस बैटर रेडी हो जाएगा हमारा, फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेट्यूस को एक में से बीच में से दो कट कर लिया है मैंने, अब आगे इसका यूज बताऊंगी। यहाँ कुछ ब्रेड के स्लाइसेस को दो रख करके उसे थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से, इससे वो एक पॉकेट की शेप में आ जाएगा। मैं बॉर्डर नहीं कट कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो कट कर सकते हैं। मैं बॉर्डर रखने की वजह यह है कि उसे ग्रिप मिलेगा, आप जो फील करोगे ना तो ग्रिप मिलता है उसको। तो इस तरह से सारे मैं इस तरह से बेल के रखूंगी। अब यहाँ ब्रेड क्रम बना लिए हैं मैंने, और एग में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम में डिप करेंगे, और अच्छे से इसे डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करके आप किचन नैपकिन पे निकाल लीजिए, इससे एक्सेस ऑयल जो है निकल जाएगा। और उसके बाद में हम इसे बीच में से कट करेंगे, तो इसे ही वन बाय वन हम बनाते जाएंगे, तो गोल्डन ब्राउन करके इसे निकालते जाएंगे। अगर आपको फ्राई नहीं करना है ना, तो आप इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं और ओटीजी भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से क्रिस्पी एंड करारी बन गई है हमारी ये ब्रेड। अब हम इसके पॉकेट्स बनाएंगे। ये देखिए सारे के मैंने अच्छे से किचन नैपकिन पे निकाल दिए ऑयल। अब इसमें बीच में से मैंने कट लगा दिया है, और स्पून से इस तरह से ओपन कर रहे हैं। अब ये देखिए जो इस तरह से कुरकुरी सी ये होगी, और अंदर एकदम बहुत ही टेस्टी वाली फीलिंग हुई, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए फिल कर लेते हैं। एक लेट्यूस की लीफ को मैंने इस तरह से रख दिया है, इससे पॉकेट ओपन हो जाती है इजीली। अब इसमें वो जो फिलिंग बनाई थी वो डाल देंगे। फिलिंग बहुत अच्छे से भरना है, बहुत कम नहीं भरना है, वरना टेस्ट नहीं आएगा। और ये ना क्रंची होती है, तो इसमें वेजीज भी है, थोड़ा मेयो है, लेकिन वेजीज भी है, तो ये हेल्दी भी होती है। अगर पूरी हेल्दी करनी है तो फिर आप इसे फ्राई ना करें, इसको एयर फ्राई कर दें, या फिर आप है ना इसको पकड़ करके ना तवे पर भी अच्छे से बना सकते हैं। तो दोनों साइड से रोस्ट करके इसको तवे पे रख करके बना सकते हैं, पैन पे भी बना सकते हैं, फिर कट कर सकते हैं, क्योंकि एग होता है तो अच्छे से स्टक हो जाता है, डोंट वरी। तो ये रेडी हो गई, हमने सारी चीज़ों को इस तरह से फिलिंग कर दिया है, तो हमारे चिकन पॉकेट्स रेडी है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और बच्चे को तो सच में बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो एक बार इस तरह से चिकन पॉकेट्स बनाइए। ये इटालियन स्टाइल में बनाया, आप इंडियन स्टाइल में भी बना सकते हैं इंडियन मसालों के साथ। तो एक बार इस तरह से बनाइए। तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही क्रंची है, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, फ्लेवरफुल है। तो इस तरह से आप, अगर आपके घर में पार्टी है तो आप इस तरह से क्विक बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 35 मिनट में मैंने ये कम्प्लीट किया है, और क्वान्टिटी भी काफ़ी सारी मैंने कम्प्लीट की है। तो 3 ब्रेड के जो पैकेट्स हैं वो फुल पैकेट मैंने 45 मिनट में कंप्लीट किए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से एक बार बनाइए, बना के खाइए, इसका मज़ा उठाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए। और आप जब तक मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू डियर्स ऑल।